इंदौर में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर आगामी 7 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। इस मुश्किल की घड़ी में वो पुलिस जिसे लोग अक्सर कोसते हैं, वही पुलिस अन्नदाता बनकर गली गली घूम रही है। पुलिस की गाड़ियों में लठ हथियार की जगह आटा, तेल, दाल, खाने के पैकेट, पूरी सब्जी इत्यादि हैं। एक ही परिवार है, एक ही परिवार है, बच्चियों के लिए पाँव में राड डली है। हाँ हाँ, देख लो राड डली है, ये पाँव में राड डली हुई है सर, एक्सीडेंट हो गया था, ये परिवार है। दवाई वाले के भी मतलब बता आ रही है, ना दे दो इनको, दे दो, ये लो, बता देना, दवाई वाले भी भिजवा देंगे, ये साहब की तरफ से है, ये लो आप ले लो, ये लो ना, इसको भिजवा दो, मैं अपना नंबर बताया जा रहा हूँ, कुछ भी जरूरत हो तो बता देना, ये साफ पीआई साहब की तरफ से है सर, ठीक है, चलो इसके सिवा और कुछ जरूरत लगती है बता देना। बुलाओ ना उनके घर में कोई है नहीं क्या? वो तो दे देंगे हम, कौन है? मंजर पास ही है, पास में रहते हैं, यही पास में रहते हैं। ये नज़ारा देखकर अचंभित हो रहे हैं तो पुलिस का एक नया रूप देख लीजिए। इंदौर की लसुड़िया क्षेत्र में महामारी का खतरा उठा के गरीब लोगों को राशन, खाने के पैकेट बांटते हुए ये पुलिस अधिकारी हैं और ये नज़ारा लसुड़िया थाना प्रभारी संतोष दूधी का है, जो सारे काम छोड़ के अपने क्षेत्र में घूम घूम कर राशन से भरी गाड़ी के साथ लिए अन्नपूर्णा की तरह गरीबों तक पहुँच रहे हैं। अभी जो लोग वाकई में ज़रूरतमंद हैं और जिनको भी कुछ फूड पैकेट्स वगैरह उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो उनको हम सर्च करवा कर उनके घर पहुंचा कर कच्चा अनाज वगैरह भी दे रहे हैं और बने बनाए फूड पैकेट्स भी वितरित करवा रहे हैं। करीबन प्रतिदिन 1000 से 1500 के बीच में पैकेट्स हम लोग वितरित करवा रहे हैं, स्लम एरिया में भेज रहे हैं, और इसके लिए स्वयंसेवी संगठन और कुछ उद्योग क्षेत्र से जो आने वाले मददगार हैं उनकी मदद ली जा रही है। इस दौरान पुलिस ने लोहा मंडी, बापू गांधीनगर, निपानिया, कच्ची बस्ती में जाकर भोजन बांटा, तो वहीं एसपी के निर्देश मिलते ही सड़क किनारे चाय की दुकान लगाने वाले तक तुरंत पहुंचे और उसे राशन दिया। इस महामारी ने लोगों का पुलिस के प्रति नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल दिया है, जहां पुलिस अब अन्नदाता के रूप में नजर आ रही है। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।